ये रहे आपके फिजिक्स के सवाल, ये पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन हम सबसे पहले अपलोड कर चुके हैं, होपफुली आप सब लोग देख चुके होंगे। और अगर कहीं लगता है आपको डाउट है कि जल्दी में कहीं कोई गलती हमसे हो गई है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे हमने 100% कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट आंसर्स बताए जाएँ। ओके, पहला सवाल कहता है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, तो ये होगी आपकी अपवर्ड, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। 77 कहता है द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो ये कहलाती है जनरेटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, वायर ऑफ रेजिस्टेंस में 20 ओमेगा इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्किल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो ये होगा 5 ओमेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 79, क्वेश्चन नंबर 79 हम चलते हैं, ये डबल हो गया। ओके, दिल्ली में बहुत सारे पेजेस ही डबल हो गए। 79, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी 10 ओमेगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 80 नंबर सवाल पे। 80 नंबर सवाल क्या कहता है, ए सिलेंडर कंडक्टर ऑफ लेंथ टी एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस दिस, और इसने क्या पूछा है क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होने वाला है, ये पूछा है। तो इसका एरिया आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ ए नहीं है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 81, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पावर कितनी हो जाएगी ऐसे में 25 वाट, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, तो ये IR², ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 83 नंबर, बहुत सारे पेजेस डबल हो गए। ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इन साइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 84, ए मैग्नेटिक रियल इमेज इज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 85 नंबर पर चलते हैं, ये कहता है स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, कौन से होंगे ये दोनों, कौन के होंगे, तो क्योंकि फोकस फोकल डिस्टेंस जो है वो आपकी नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे 86 नंबर, द ब्लश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट ऑफ, तो किस कलर की लाइट के लिए मैक्सिमम होता है ये, तो वायलेट कलर के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 88 नंबर, कहता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई डिफरेंट लेयर्स ऑफ वायरिंग रिफ्रैक्टिंग डिफेक्टिव इंडिसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4D इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -2D, द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन इज, दोनों की पावर निकालनी है लेंस कॉम्बिनेशन की, तो ऑप्शन हो जाएगा बी +2D। ओके, 90 नंबर देखिए आप, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 4D यहाँ पे दिया हुआ है, द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन ही है यार, दो कहा जाना 90 हो गए। इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, ऑप्शन बी करेक्ट। 91 देखिए, द स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 92 पे चलते हैं हम, द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द एज, किस एज की है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये होगी आपकी कैलकुलिथिक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये डाउटफुल लग रहा है। ओके, 93 देखिए, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द बायोस्फेयर, बायोस्फेयर की एवरेज थिकनेस क्या होगी, तो ये 30 to 40 किलोमीटर होनी चाहिए, 30 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं है, तो 40 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक 2024 होने जा रहा है आपका पेरिस फ्रांस में, कि उसका अगला वाला कहाँ होने जा रहा है, जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए 93 कहता है, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ रिच, यार ये डबल लेवल पेज बहुत ज़्यादा हो गया। 95 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री 2022, तो ये 107 लोगों को मिला है जिनमें प्रोफेसर नजमा अख्तर जामिया की UEC भी हैं। और विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ द लेक्स इन इंडिया, तो ये होना चाहिए आपका
मिले इसका, इसका आई एम नॉट श्योर, इस पर थोड़ा सा डाउट फिलहाल, इसको देखना पड़ेगा। 97 देखिए व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, व्लादिमीर जेलेंस्की। और 98 देखेंगे द महावीर वाज बॉर्न, वैशाली में इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद 99 नंबर आप देखेंगे व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ओ माय गॉड, 90 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो ये होता है टिहरी, सॉरी टिहरी इज द सी, टिहरी हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे लंबा पूछा जाता तो हीराकुंड हो जाता। ओके और लास्ट सवाल आपका है ब्लू रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर, द ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके हमने करेक्ट आंसर्स के साथ बताए हैं, एक या दो डाउटफुल हैं तो वो भी हम जल्दी आपको चेक करके बता देंगे, अभी हम बहुत जल्दी में थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।